ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया। इतना ही नहीं, विदेशों में उनकी संपत्ति है तो उसको भी जब्त करने का कानून बनाया। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ दिन पर दिन शिकंजा कसता जा रहा है। इन तीनों भगोड़ों के मामले में ईडी ने अब तक 22,586 करोड़ रुपए के हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए 18,710 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है, जो इन तीनों से हुए नुकसान का 80% है। इन 18,710 करोड़ की संपत्ति में से ईडी 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकार और सरकारी बैंकों को सौंपेगी। सीबीआई के एफआईआर के अनुसार ईडी ने तुरंत कार्रवाई की और देश विदेश में हुए लेन देन तथा विदेश में संपत्ति का पता लगाया। जांच से पता चला कि इन तीनों ने अपने नियंत्रण की फर्जी कंपनियों के जरिए धोखाधड़ी की थी। ईडी की जांच में पता चला कि इनमें से कई संपत्तियां फर्जी कंपनियों, तीसरे पक्ष, रिश्तेदार और ट्रस्ट के नाम पर इन आरोपियों ने जुटा रखी थी। तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के बाद प्रोसिक्यूशन शिकायत दर्ज की गई है। तीनों के प्रत्यर्पण के लिए यूनाइटेड किंगडम, एंटीगुआ और बारबुडा में निवेदन किया जा चुका है। विजय माल्या के प्रत्यर्पण का वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आदेश दिया था, जिस पर यूनाइटेड किंगडम हाई कोर्ट की मुहर लग चुकी है। माल्या को यूनाइटेड किंगडम सुप्रीम कोर्ट में आवेदन की अनुमति नहीं मिली, इसलिए उसका भारत प्रत्यर्पण होना निश्चित है। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आदेश भी दिया है। भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर नीरव मोदी पिछले 2 साल और 3 महीने से लंदन जेल में है। इन दोनों को आर्थिक भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। हाल में मेहुल चौकसी को डोमिनिका में पकड़ा गया था, जिसके बाद से उसे भारत सरकार प्रत्यर्पण कर लाने की कोशिशों में जुटी है। इन कार्रवाई से ये साफ हो गया है कि भारत का हजारों करोड़ों का नुकसान कर भागे ये तीनों आरोपियों को वापस भारत में लाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया। इतना ही नहीं, विदेशों में उनकी संपत्ति है तो उसको भी जब्त करने का कानून बनाया।